हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ये अपना नौवां वीडियो है। कौन सा वीडियो है ये? नंबर 9, फोर्थ इक्वेशन। इससे पहले अपन मैक्सवेल की तीनों इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का काफ़ी बेसिक भी पढ़ चुके हैं, है ना। ये चैप्टर ये मानो आपका 70% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वेव इक्वेशन है, कुछ बाउंड्री कंडीशन है, और उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर। उसके बाद माना जाए तो 3 या 4 टॉपिक और है, है ना, वो अपन पढ़ लेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। देखो सिंपल सी बात है, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन पे बेस्ड है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ। अब पूछोगे सर ये एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, है ना। तो बिल्कुल आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में बताऊं। तो देखो अगर देखा जाए, अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो इस मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन को एक लाइन में अपन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपन इस इक्वेशन को अच्छे से एकदम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, है ना, और कंसेप्ट एकदम क्लियर करेंगे कि ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है क्या, है ना। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि इट इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किट लॉ। तो अपन थोड़ा सा एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में देखते हैं। देखो था एम्पियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, यहाँ पे देखो मैंने दो प्लेट लगाई है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, बैटरी है। और इस प्लेट अगर दो आपको पता है पैरेलल प्लेट होगी, है ना, कंडक्टिंग होगी, तो ये किसका वर्क करेगी, एज ए कैपेसिटर वर्क करेगी, आपके पास क्या है, बैटरी है। तो जैसे ही इस बैटरी में आपको पता है, आप जैसे ही इस बैटरी को ऑन करोगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इस प्लेट के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब एम्पियर साहब ने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मैं एक नीडल रखता हूँ, मैंने क्या किया, एक मैग्नेट रखी या कोई भी नीडल रखी, कोई कंडक्टर था, है ना। तो जैसे ही मैं इस नीडल को यहाँ पे रखता हूँ, होता क्या है कि इस नीडल के अंदर क्या आता है, डिफ्लेक्शन, है ना। इस मैग्नेट के अंदर क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है, और ये डिफ्लेक्शन आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, है ना, कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो मैग्नेट होगी वो जनरली सी बात है ना, क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन फिर देखा गया कि यहाँ पे अगर मैं अब इस मैग्नेट को मैं यहाँ से हटा के और यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या इसके आसपास कोई भी ऐसा कुछ है, कोई कैरिंग कंडक्टर वायर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा गया क्या, यहाँ पे ये जो मैग्नेट थी ये डिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 90% लोगों का आंसर ये होगा, सर यहाँ पे तो कोई भी वायर नहीं है, कोई भी कंडक्टर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, है ना। लेकिन एम्पियर साहब ने बोला कि ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी। और ये डिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी डिफ्लेक्ट हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर कौन सा करंट था, आईसी, कौन सा, कंडक्शन करंट। तो पूछा गया सर इसके अंदर कैसे डिफ्लेक्ट हुई, इसमें एक दूसरा करंट था, वो कौन सा था, आईडी, जिसका बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट, क्योंकि हुआ क्या, यहाँ पे अगर जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, उसके बीच की जो भी जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, अयोनाइज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जब ये देखा गया कि केवल एक ही करंट नहीं होती है ऐसे केस में, करंट दो टाइप की है, एक तो आपकी कंडक्शन करंट और एक आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो जब पूछा गया कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, तो एम्पियर ने सिंपल से की बात बताई, है ना, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट। क्या बताया गया कि जो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसका अगर मैं लाइन इंटीग्रल करता हूं कोई क्लोज पाथ के अलोंग, है ना, तो जो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये म्यू टाइम्स होगी समेशन ऑफ आई के। ये लिखा मैंने, है ना, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट। तो समेशन ऑफ करंट दे दिया मैंने। अब इस समेशन आई में क्या होगी, दो टाइप की करंट होगी, कौन सी, आई सी प्लस आई डी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको समझ में आ गया, तो इसका मतलब आपको एम्पियर सर्किट लॉ समझ में आ जाएगा,
है ना। तो ये बेसिक सवाल होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ये देखो ये हुआ क्या था, पहले इस आईडी के बारे में लोगों को पता नहीं था, है ना, है ना। इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी, उस दिक्कत को अपन आगे जाके इस आईडी को लेके आएंगे, उस आईडी की वजह से वो दिक्कत भी सोल्व हो जाएगी। इतना आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि एम्पियर सर्किट लॉ है क्या, है ना। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब अपन आगे इसके डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म पे चलते हैं। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको इतना समझ में आ गया कि B डॉट BR इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन I, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लोज पाथ है, तो ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इस मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कैसे डेवलप करें और कैसे अपन इसके डेरिवेशन को करें। अब आपको एक टर्म लेता हूं मैं, जैसे आपने पढ़ा है कि चार्ज के केस में देखा था चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी थी रो, जैसे ही अगर मैं एक करंट डेंसिटी लूं, क्या लूं मैं, करंट डेंसिटी, बिल्कुल नया वर्ड होगा लेकिन मैं समझा देता हूं। करंट डेंसिटी होती क्या है, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। इसको मैं किससे डिनोट करता हूं, जे से। ये जो करंट डेंसिटी है जे हो, है ना, इसका मतलब अगर ये जे हो तो मैं इस आई को क्या ऐसे लिख सकता हूं, जे डी सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, है ना। तो ये इंटीग्रल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ आई हो गया, और जे क्या है आपकी करंट डेंसिटी है, आई डी है। अगर मैं यहां पे आई डी करता हूं, डी से डी कैंसिल, इसका मतलब समेशन ऑफ आई सेम वो कब हुई, इसका मतलब मैं बी डॉट डी आर की जगह क्या लिख सकता हूं, बी डॉट डी आर की जगह लिख सकता हूं म्यू समेशन ऑफ जे डॉट डी, लिख सकता हूं बिल्कुल। ये आपका क्या है, क्लोज पाथ है, और ये क्या है, सरफेस है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, कौन सी थ्योरम पढ़ी है बताओ, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने इससे शायद फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर है इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसके अंदर मैंने स्टोक्स कर्ल थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप एक बार जरूर देखना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको पता है अगर बी डॉट डी आर है तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, किसका किसका हो जाएगा बताओ, डेल क्रॉस बी का, और यहां क्या आ जाएगा आपके पास, डी ए, ठीक है। यही तो था, है ना। तो इस इक्वेशन से अगर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन है, ये मेरा इक्वेशन नंबर टू है, ये अगर इक्वेशन नंबर थ्री है, ये इक्वेशन नंबर फोर है, है ना। तो यहां से इस बी डी आर की वैल्यू में यहां पुट कर सकता हूं, देखो पुट करके देखते हैं कितना आता है, एस सॉरी डेल क्रॉस बी डी ए इक्वल्स टू म्यू जे बी, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो यहां पे भी देखो इंटीग्रल में डी ए, यहां पे भी इंटीग्रल में क्या है डी ए, किसका मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं डेल क्रॉस डी इक्वल्स टू न्यू इंटू जी, कैसा लिखा जा सकता है ना। अगर आपसे पूछे कि आप इंटीग्रल फॉर्म बताओ तो सिंपल सा बोल सकते हो कि इसी फॉर्म को क्या बोला जाता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ये आपकी क्या है, सॉरी इसको नहीं, इस वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ये तो आपका स्टोक्स कर्ल थ्योरम है। तो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ एकदम राइट है, इसका मतलब अगर इसके ऊपर मैं कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो प्रूव होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो कि वो गलत हो जाए। तो किसी ने कहा कि इसके ऊपर एक डाइवर्जेंस अप्लाई करके देखो, आप इसके ऊपर क्या करो, डाइवर्जेंस अप्लाई करो। तो इन दोनों तरफ अगर मैं डाइवर्जेंस अप्लाई करता हूं, डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू डेल क्रॉस डेल डॉट जी, ठीक है। जैसे ही मैंने डाइवर्जेंस अप्लाई किया, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, डेल ऑपरेटर जब पढ़े होंगे कि अगर किसी भी वेक्टर का या कर्ल वेक्टर है उसके साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो और उसका डाइवर्जेंस लेते हो, किसी कर्ल वेक्टर का अगर आप डाइवर्जेंस लेते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो। तो ये तो दिक्कत आ गई, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो इस केस में म्यू की वैल्यू तो जीरो है नहीं, म्यू अगर आपके पास जीरो नहीं है इसका मतलब वैल्यू किसकी जीरो है, डेल डॉट जे इक्वल्स टू क्या है आपके पास, जीरो।
अब भैया सबसे बड़ी दिक्कत होगी, आप बोल लो कि करंट डेंसिटी की वैल्यू जीरो है। अगर करंट डेंसिटी की वैल्यू जीरो है तो आपके पास, अगर मैं डेंसिटी, करंट डेंसिटी के टर्म में अगर इक्वेशन लिखना चाहूं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखना चाहूं, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होती है। करंट डेंसिटी के टर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होती है, रो आपको बताइए क्या है, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी, और जे आपका क्या, करंट डेंसिटी। अब आपने बोल दिया कि डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू, अगर यहाँ पे जीरो पुट करते हो तो डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। ये भैया सबसे बड़ी दिक्कत, आपने बोल दिया कि डेल रो अपॉन डेल टी जीरो है। ये तो अपन इस इक्वेशन को आसान बनाने चले थे और ये तो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट। ये तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब क्या पता उस सर्किट में करंट हमेशा कांस्टेंट रहे, इसका मतलब ये लो तो तभी एप्लीकेबल है जब वहां पे करंट क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वहां पे करंट तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, करंट का फ्लो कांस्टेंट। क्या ऐसा हमेशा रहना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसका मतलब वो तो गलत हो गया। मतलब इस श्लोक के अंदर तो क्या आ गई, इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब इस कंसिस्टेंसी को, इनकंसिस्टेंसी को मैक्सवेल साहब ने कंसिस्टेंसी में कैसे बदला, कंसिस्टेंट इस लॉ को कैसे किया, इसलिए एक टर्म आई थी जो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज डेंसिटी है वो दो पार्ट में होगी, जे डी प्लस जे एफ। ये भैया जे डी और जे एफ क्या है, देखो ये जे एफ है फ्री चार्ज की वजह से, फ्री चार्ज थे उनकी वजह से जो डेंसिटी थी, करंट डेंसिटी थी, उसको आपने बोल दिया, और ये जे डी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो डेंसिटी थी, है ना, या सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था उसकी वजह से जो डेंसिटी थी, उसको आपने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ गया मुझे ये भी। तो अगर इसको, इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ कि कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर बताओ किसमें, यह आपके पास फाइव है। ठीक है, अगर इसमें फाइव में पुट करता हूँ मेरे पास आता है डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू जे डी प्लस जे, आई बात समझ में, है ना। अब मैं, अब की बार मैं डॉट प्रोडक्ट करने की कोशिश करता हूं, है ना, इसके साथ, तो अगर इसके साथ डेल डेल क्रॉस बी करता हूं तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और यहां पे क्या आ जाएगा, डेल डॉट जे डी प्लस डेल डॉट जे एफ। ठीक है भैया, ये तो जीरो हो गया और म्यू जीरो होगा नहीं, इसका मतलब आपने अब की बार एक नया रिलेशन देख लिया कि डेल्टा जे डी है वो माइनस ऑफ डेल्टा जे एफ। ठीक भैया, ये सॉल्यूशन आपके पास एक आ गया कि डेल्टा जे डी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, माइनस डेल जे एफ के इक्वल होगी। इससे अपन, अब इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, कौन सी, मान लो ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी है, सिक्स, अगर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सिक्स में पुट किया जाए, सेवन एट, इक्वेशन पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैं आपको कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर तो आप दे सकते हो। तो अब इसके अंदर अगर वैल्यू पुट की जाए डेल जे के अंदर, मान लो ऐसा इक्वेशन लिखूं मैं डेल जे एफ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर देखा जाए डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे डेल जे एफ की जगह अगर वैल्यू पुट की जाए, डेल जे एफ की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, माइनस डेल जे डी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल जे डी प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू जीरो, और आपके पास डेल जे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो डेल रो अपॉन डेल। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई डेल जे डी इक्वल टू डेल रो अपॉन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर तो आपके पास वैल्यू आ गई डेल डॉट जे डी की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, डेल रो अपॉन डेल। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई डेल जे डी की। ठीक है, तो डेल जे डी को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आपको पता होगा डेल जे डी को एक और लिखा जाता है टर्म, क्या लिखा जाता है, डेल डी अपॉन डेल डी। इस सॉरी रो को अपन ऐसा लिख सकते हैं डेल डी। आप पूछोगे सर ये डेल क्या है, ये डी क्या है, ये डी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस डी की वैल्यू एक और होती है एप्सिलॉन इनटू ई, ये भी आप ध्यान में रखो, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू ई।
है ना। इसका मतलब अपन यहां से लिख सकते हैं डेल डॉट जेडी इक्वल्स टू डेल डेल डी अपॉन डेल डी, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगर मैं इस यहाँ से, यहाँ पे भी डेल है, यहाँ पे भी डेल है, इसका मतलब अगर डेल डेल को मैं कैंसिल करूँ तो जेडी की वैल्यू मेरे पास आ गई डेल डी अपॉन डेल डी, ठीक है भैया। आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, डेल डी की आपने वैल्यू निकाल ली। अगर आपने डेल डी की वैल्यू निकाल ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप इस इक्वेशन में, जैसे ही ये इक्वेशन मैं 8 दूं और ये इक्वेशन अगर 9 दूं और ये इक्वेशन नंबर 10 दूं, है ना, तो इस जेडी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखें अपन। कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जेडी प्लस जे एफ। तो यहां से डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जेडी की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है, डेल डी अपॉन डेल टी प्लस जे ए। तो इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। इसको और भी आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं देखो। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं म्यू जे ए प्लस म्यू डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 9 से अपन डी के एप्सिलॉन ई पुट कर सकते हैं, डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू जे ए प्लस म्यू, इस डी की जगह मैं क्या कर दूं डेल अपॉन डेल टी एप्सिलॉन ई पुट कर दूं, एप्सिलॉन ई मैंने पुट कर दिया तो एप्सिलॉन और म्यू बाहर आ जाएगा, तो डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू जे ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। तो इस इक्वेशन को भी क्या बोला जाता है, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, कौन सी, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो बच्चों ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन थी, कुछ भी नहीं है, एक बार आप दोबारा आप इसे देखना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।